हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ अडेनियम पे होने वाली समस्याओं के बारे में बात करने वाली हूँ कि अभी जैसे बारिश होती है और रेगुलर जैसे बारिश हो जाती है तो हमको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ अडेनियम अभी दिखाऊँगी जो कि मुझे भी फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम। और देखिए, जब बारिश होती है और उसके बाद फिर तेज़ धूप निकलती है और तभी ये समस्या ज़्यादा होती है। वैसे बारिश से भी होती, लगातार कंटिन्यू बारिश होती रहेगी तो आपके प्लांट में ये दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए कुछ प्लांट आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये परेशानी आपको होने वाली है ज़्यादा बारिश होने से, मतलब कि कई दिनों तक अगर रोज़ बारिश होती है, बारिश के बाद धूप हो जाती है, तो आपको ये करना है इस तरह से। देखिए, वो वाली जो कट पार्ट है, मतलब जो ख़राब पार्ट है, यहाँ से गलना स्टार्ट हो जाती है। ब्रांच गल करके वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ये तो ख़राब हो जाएगी पूरी। वहाँ पर आपको कट कर देना है उससे पहले, मतलब आगे बढ़ने से पहले, और फिर वहाँ पर फंगीसाइड लगा देना है। ये आपको ज़रूर करना है। जिस ब्रांच पे भी आपकी समस्या दिख जाए ना, उस पर आप किस तरह से कट करके और थोड़ा सा फंगीसाइड लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से तो ये आप कर सकते हैं। एक ब्रांच मेरे और प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये कल की रात की बारिश से हुआ है। कल रात को हमारे यहाँ बारिश हुई है जम के, और ये देखिए, ये इस तरह से समस्या हुई है। तो ये तो शायद अभी धूप भी आज निकली है तो हो सकता है ड्राई हो जाए। फिर मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूंगी और उसके बाद इसमें भी फंगीसाइड लगा दूंगी। तो ब्रांच पूरा सोच रही थी ना कट करूं, पहले मैं इसको देखूंगी हाफ कट करने से अगर काम चल जाएगा तो देखते हैं। अगर यहाँ पर गला नहीं होगा ना पार्ट ज़्यादा, तो मैं सिर्फ इसको हाफ कट करूँगी, मतलब जो ख़राब पार्ट है इसको निकाल करके और यहाँ पर फंगीसाइड भर दूंगी। तो देखिए, अंदर से सही है, सिर्फ ऊपर से ये गल गया था और ब्रांच ठीक है वैसे तो, पर यह है कि ब्रांच यहाँ से नाजुक बहुत हो जाएगी। तो सोच रही हूँ कट ही कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से कभी भी फंगस लग सकता है बाद में। तो ये देखिए, इसकी मैंने ब्रांच कट कर दी यहाँ से, और ये देखिए फंगस काफ़ी ज़्यादा हो गया था और यहाँ पर भी देखिए अभी है। ये देखिए, वैसे भी ब्रांच बहुत लंबी हो रही है तो थोड़ा सा ब्रांच भी छोटी हो जाएगी और साथ में हमारी ब्रांच सेफ भी हो जाएगी। तो ये समस्या आपको इस समय देखने को मिल सकती है। ये भी मेरी बिल्कुल न्यू ग्राफ्ट है और दो ढाई महीना पहले की ग्राफ्टिंग है, और देखिए ब्रांच काफ़ी लंबी हो गई इसकी। तो ये समस्या आपको देखनी पड़ सकती है। तो आपको यही करना है, जो ब्रांच आपकी गल जाए उसको आप इस तरह से कट करके और हटा सकते हैं। देखिए कितना प्यारा इसका फ्लावर है, टूट गया मेरे हाथ में आते आते, बहुत ही ब्यूटीफुल से। ये मैंने न्यू, मतलब एक नर्सरी से बाय किया था ऑनलाइन, और उसके ब्रांच काफ़ी लंबे थे, उसी को इसमें ग्राफ्ट कर दिया था पूरे ब्रांच पे। तो जितने भी आपके प्लांट हैं, और जब भी बारिश होती है ना, तो बारिश जब हो उसके बाद तुरंत बाद आप प्लांट को ऐसे हिला करके देखिए, इस तरह से देखिए, इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है, अभी तक छाया थी लेकिन अब काफ़ी तेज धूप है। तो इस तरह से थोड़ा सा इनको हिला करके पूरा पानी झाड़ दीजिए, नहीं तो वहीं से फंगस शुरू हो जाता है। तो ये एक आम समस्या है जो आपके हर प्लांट पे देखने को मिल सकती है। तो आप भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखेंगे तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे। तो देख लीजिए आपके प्लांट किस तरह से हैं। आप चाहे तो कुछ पत्तियां भी कट कर सकते हैं, जैसे धूप निकली हो ना इस तरह से, तो कुछ पत्तियां भी कम कर सकते हैं प्लांट की। उससे क्या होगा, फंगस लगने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है ना, वहाँ पर ज़्यादातर उस जगह पे होता है जहाँ पे फ्लावर निकलते हैं। फ्लावर निकल कर के जब झड़ जाते हैं तो ये ब्रांच लगी रह जाती है और यहीं से फिर गलन स्टार्ट हो जाती है। तो आप या तो पहले ही फ्लावर को कट करके हटा दीजिए, वहाँ फंगीसाइड लगा दीजिए, तो आपको शायद ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी फिर। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, और साथ में फंगीसाइड का स्प्रे भी बीच बीच में आप ज़रूर करते रहिए, ताकि आपके प्लांट को कोई ऐसी दिक्कत ना आए और आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहे। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।